हेलो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है सुरेश। तो अभी आप देख रहे हैं सुरेश कार्ड्स केयर। तो अभी आपको बताया कि महिंद्रा की स्कॉर्पियो में यूरिया की प्रॉब्लम आ रही है, बार बार लाइट आ जा रही है। तो यूरिया डाला हुआ है पूरा, लेकिन लाइट फिर भी आ रही है। तो अभी आपको दिखा देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए दिखाते चलते देख रहे हैं आप। चलिए गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं। देखो गाड़ी देख लीजिए टोटल कितनी चली हुई है, बहुत कम चली हुई है। देखिए ऊपर लिख के भी आ रहा है डी पीरियड नो स्टार्ट। ये देख लीजिए लाइट आ रही है वाली। तो इसकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या फॉल्ट है। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट है, ये देखिए। तो चलिए चेक करते हैं बोनट को। तो ये इंजन कवर हटाओ, उससे ऊपर खींच निकल आएगा सबसे पहले। देख सकते हैं यहाँ से भी देखिए लगा हुआ है जो इंजेक्ट करता है। तो यहाँ से तो ओके है, और भी देख लेते हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से ये लीक कर गया पाइप, इसलिए लाइट आई थी वही। देख सकते हैं अब इसको जो है चेंज करना पड़ेगा। तो खोल लेते हैं इसको चेंज करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है टैंक, ये इसका कवर है, ये हटाना पड़ेगा। ये वाला जो है देखिए, ये प्लास्टिक का डीजल टैंक है, ये यूरिया का टैंक है, ये देखिए। तो ये बटन निकालने के लिए ये देखिए मैंने निकाला हुआ है। तो आपको सिंपली ये चीज़ जो है ये यूँ फैलाना है, और जो आप फैलाए देंगे इसको ना, इसको फैलाएंगे जब दोनों इधर उधर करके, तो ये बटन निकल आएगा। ये देखिए सिंपली आपको इसको वापस बाहर निकाल लेना। देखिए मैंने देखिए निकाला हुआ है यहाँ से। तो ऐसे ही पहले इसका कवर हटा लेंगे। जैसा कि आपको दिखाया कवर हटा दिया मैंने, ये देखिए यहाँ से। तो आप जो है ये पाइप है देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये लगा, ये दिख रहा है बटन जो है, इसको सही से पुश कर लेना है, इसको बढ़िया से पुश कर लेना है अंदर की ओर, इस तरह ऐसे निकाल लेना है। देखिए निकाल दिया है। तो बाकी जहाँ जहाँ फंसा हुआ है इसे फुलाना पड़ेगा। देखिए इधर से गया हुआ है, इसके ऊपर से किसी तरह और भी छुड़ाएंगे जहाँ जहाँ गया होगा, तो आपको निकाल के दिखाएंगे पूरा जब निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, तो सबसे पहले इसको उसको हटा दिया है। तो अब ये जो लाग देख रहे साइट है जैसे उसमें दिखाया था, तो दिखाते हैं दवा उसको जुड़े निकालो निकालो बाहर निकाल दो। क्योंकि तो बाकी हमने सारा छुड़ा दिया है, तो अब जो इसको निकाल लेंगे वापस, छुड़ाओ नीचे से बाहर निकालते हैं। तो ये देख लीजिए मैंने निकाल लिया पूरा बाहर। तो ये देख लीजिए ये बटन मैं दिखा रहा था, ये देखिए ये चीज़ है, ये चीज़ आपको पुश करनी पड़ेगी। ये चीज़ ये जो है बटन आपको ये पुश करनी पड़ी, तो निकल आएगा सिंपल। तो हम नया लाएंगे, देखते हैं नया ले आते हैं पहले। आप देख सकते हैं ये देखिए ले आए हैं, एकदम ओरिजिनल है ये महिंद्रा का। तो निकालो बाहर इसको निकालो, ये देख लीजिए एकदम है। तो इसको लगाने समय जो है सबसे पहले जो है ऊपर से ही डालेंगे, जहाँ जहाँ से गया हुआ था ये ऐसे ही डाल लेते हैं। ऊपर से डालना पड़ेगा जिधर से गया हुआ था, चलो डाल लेते पहले। जैसे तो आपने लगा ऊपर से पूरा डाल दिया है, अब ये नीचे चला गया है, तो नीचे देख लेते हैं। नीचे आ गया ये आ गया पूरा। तो ये अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा भी घटा सकते हैं, तो आपको दिखा देंगे किसे घटाना बढ़ाना है। देखिए आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा हर जगह फंसा दिया था इसे पूरा, इधर भी देखिए ये फंसा हुआ है। अब ये यहाँ पे लग जाएगा, सिंपली पुश कर दो इसको अंदर, वो निकाल के कपड़े इसका देख लीजिए पुश कर दो। बस देखिए बैठ गया सिंपल ऐसे। अब इसका कवर लगा देंगे वापस, लगाओ क्या है। तब ये बटन है इसका, ये देखिए अब इसको सिंपली ऐसे लगाना है इसमें, देखिए लग गया गया, इसको पुश कर देंगे। देखिए पुश हो गया, फिट हो गया। ऐसे ही आपको सारे बटन लगा देने हैं। जैसे कि आपने देखा नीचे से कंप्लीट कर दिया, फाइनल कर दिया है। तो अब जो सिंपली इसको निकाल लेंगे, इसको यहाँ से देखिए निकाल लिए।
और आप चाहो तो यहाँ पे यूरिया इसमें भर सकते हो, हल्का फुल्का डाल देंगे, लेकिन मैं यूरिया नहीं भरूंगा, मैं ऐसे ही लगा दे रहा हूँ उसको। सिंपल देखिए पुश करेंगे लग जाएगा, देखिए लॉक हो गया, ये देखिए लॉक है एकदम, ये तो फाइनल हो गया। और जो पाइप होता है उसमें देखिए ये लॉक लगे होते हैं, इधर उधर भी हो जाते हैं कोई कोई, तो आप यहाँ से ओपन करके इसको घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, देखिए बढ़ गया है, और इसे पुश करेंगे तो ये दब जाएगा, देखिए लॉक होगा। आप सिंपली इसके ऊपर कवर लगा देंगे, गाड़ी स्टार्ट करके देखेंगे क्या कंडीशन है। इसके अब देखो कंप्लीट कर दिया फाइनल, अगर स्टार्ट करके देखेंगे लाइट नहीं जाती है अगर, तो आप यहाँ से पेच खोल के ये पूरा बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, इसको बाहर निकाल के एकदम इंजेक्टर की तरह काम करता है, स्प्रे करता है अंदर, तो जब ब्लॉक हो जाता है तो भी दिक्कत करता है, ठीक है। तो आप निकाल के इसको यहाँ से खोल के, एक ही पेच खोलना है ये वाला, उसको खोल के बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आप क्लीन करके फिर से लगाइए, कम से कम गाड़ी 10 किलोमीटर आपको चलानी पड़ेगी तो लाइट चली जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं स्टार्ट करके, तो देख लीजिए गाड़ी के अंदर आ गए हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब इसको जो है कम से कम 10 किलोमीटर चलाऊंगा, फिर भी नहीं जाएगी तो लास्ट में जो है स्कैनर लगाना पड़ेगा, स्कैनर से ही फिर जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।